हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबों का अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारी दुनिया का अध्याय 1, हमारा सौरमंडल भाग 2। बच्चों, अध्याय शुरू करने से पहले आप सबों को यह बताना चाहता हूँ, यह चैनल बिल्कुल मुफ्त है और इस चैनल को शुरू करने का हमारा मकसद बिहार के सरकारी विद्यालय के पढ़ने वाले उन बच्चों तक शिक्षा की ज्योति को पहुंचाना है जो सुदूर गांव देहात में रहते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है, नेट है, पर विषयवार शिक्षक की कमी है और वो अपना समय मोबाइल पर गेम खेलकर या फिल्म देखकर व्यतीत करते हैं। शहर के बच्चों की तरह मोबाइल से पढ़ना तो चाहते हैं पर कंटेंट्स उपलब्ध नहीं है या महंगे ऐप का उपयोग नहीं कर पाते हैं। और हाँ, यह ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चे ही इसे देख सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड के हों, चाहे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आपको इसको देखने से फ़ायदा ही मिलेगा। तो पिछली कक्षा को जो हम लोगों ने पढ़ा था, याद करते हैं कि साफ आकाश में जब हम लोगों ने देखा था तो बहुत सारे तारे हमको दिखाई दिए थे और सूरज भी हमारा एक तारा है, परंतु यह हमसे समीप का सबसे समीप का तारा है, इसलिए हम लोगों ने इसका नाम सूरज दिया और यह हमें दिन में दिखाई देता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था सूरज के चारों ओर बहुत सारे पिंड जो है वो चक्कर लगा रहे हैं और उस पिंड का नाम हम लोगों ने दिया था ग्रह। ये ग्रह थे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इसके बाद बहुत सारे पिंड ग्रहों के भी चक्कर लगा रहे हैं, उसका नाम हम लोगों ने दिया था उपग्रह। अब हम लोग देखते हैं कि सूरज के चारों जो पिंड चक्कर लगा रहे थे, जो थे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सभी ग्रह दो प्रकार के गति में विद्यमान है। पहला, वह अपने अक्ष पर जो है लगातार घूम रहे हैं और दूसरा सूरज के चारों ओर वो घूम रहे हैं। जब वो अपने अक्ष पर घूमते हैं तो उसे हम घूर्णन गति कहते हैं और जब वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उसे हम परिभ्रमण गति कहते हैं। तो सबसे पहले हम बुध को देखते हैं। बुध अपने अक्ष पर 58.6 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है, जबकि सूरज के चारों ओर वह 87.97 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। उपग्रह की संख्या इसके पास शून्य है। शुक्र, यह 243 दिन में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है, जबकि सूरज के चारों ओर यह 224.7 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। इसके ही पास उपग्रहों की संख्या शून्य है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.9 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, जबकि सूरज के चारों ओर यह 365.3 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। उपग्रह की संख्या इसके पास एक है। मंगल, यह 24.6 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है अपने अक्ष पर, जबकि सूरज के चारों ओर यह 687 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। उपग्रह की संख्या इसके पास दो है। बृहस्पति, यह 9.9 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है, जबकि सूरज के चारों ओर यह 11.86 वर्ष में पूरा एक चक्कर पूरा करता है। उपग्रह की संख्या इसके पास 63 है। शनि, यह अपने अक्ष पर 10.3 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, जबकि सूरज के चारों ओर यह 29.46 वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। उपग्रह की संख्या इसके पास 62 है। यूरेनस, यह अपने अक्ष पर 16.2 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, जबकि सूरज के चारों ओर यह 84.001 वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। उपग्रह की संख्या इसके पास 27 है। नेपच्यून, यह अपने अक्ष पर 18.5 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, जबकि सूरज के चारों ओर यह 164.80 वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। उपग्रह की संख्या इसके पास 13 है। अब बच्चों, इस तस्वीर को ध्यान देखिए, आपको याद आ रहा होगा कि केंद्र में सूरज है और सूरज के चारों ओर जो पिंड चक्कर लगा रहे हैं, जिसे हम लोगों ने ग्रह नाम दिया था, वो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें यह हमारी पृथ्वी है, यह मंगल है, यह बृहस्पति है।
तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जो हैं ये चक्कर लगा रहे हैं। इन पत्थर के टुकड़ों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं, इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। अब हमारी यह पृथ्वी है, पृथ्वी भी एक ग्रह है। तो जैसा हम लोगों ने देखा था, सूरज के चारों ओर बहुत सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ग्रह के अलावे यह पत्थर, इस प्रकार के पत्थर भी जो हैं वह सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और कभी कभी यह रास्ता अपना भटक करके पृथ्वी के काफ़ी समीप आ जाते हैं, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह पृथ्वी की ओर खींचे हुए चले आते हैं। जब ये पृथ्वी की ओर खींचे चले आते हैं और पृथ्वी के वातावरण में जब ये प्रवेश करते हैं, तो इनमें इस प्रकार से आग लग जाती है। ये पत्थर के टुकड़े, इन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। तो कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं रात में हमें आकाश में। ये तारे नहीं होते हैं, बल्कि यही पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। उनके टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, इसे हम टूटता तारा कहते हैं। आकाशगंगा। अगर साफ आकाश में, खुले आकाश में जब हम ध्यान से देखें, तो कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारे की फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी दिखाई देती है। इन्हें ही देखने पर यह बहती हुई नदी की तरह दिखती है, इसे हम आकाशगंगा कहते हैं। ये एक आकाशगंगा की तस्वीर है, इसे ही हम आकाशगंगा कहते हैं, जो कि सफ़ेद चौड़ी पट्टी की तरह दिखाई देती है। सप्तर्षि। सप्तर्षि जो है यह तारों का एक समूह है, जिसमें सात तारे सम्मिलित हैं। तो सात तारों के इस समूह को सप्तर्षि कहते हैं। भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है, जो इस प्रकार है: ऋतु, पुल, पुलस्त, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीचि। यूनानी ग्रंथों में इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा एवं जेटा कहा जाता है। और हाँ, ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक होता है। ध्रुव तारा। ध्रुव तारा यह अत्यंत ही चमकीला तारा है। जब आकाश में हम देखें, तो यह हमें उत्तर दिशा की ओर दिखाई देता है। खास करके यह अगर पृथ्वी है, तो इसके जो यह उत्तरी ध्रुव है, यह उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर में हमें दिखाई देता है, इसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित यह एक स्थिर तारा है। विषुवत रेखा पर किसी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, परंतु ज्यों ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, क्षितिज की ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी, उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। यह हमेशा उत्तर दिशा में दिखता है, इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहा है। राशि। राशि बहुत ही प्रचलित शब्द है। अक्सर हाँ घर में हम लोग इसके बारे में सुनते हैं कि आपका राशि नाम क्या है। तो ये राशियां हैं, 12 राशि हैं। ये भी तारों का समूह है, और इन तारों का समूह की खास आकृति होती है, उसी आकृति के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। ये राशियों की संख्या 12 है। तो जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो सूरज 12 तारा समूहों के बीच नजर आता है, इन्हें हम राशि कहते हैं।
इन राशियों में जो तारे हैं ये किसी न किसी आकृति की तरह नजर आते हैं, उन्हीं आकृतियों के नाम पर इन राशियों का नाम दिया गया है। ये राशि हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। अब देखते हैं नक्षत्र। नक्षत्र यह भी अलग अलग तारा का समूह है, समुदाय है। तो चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान 27 तारों के समूह के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र हैं अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा, फागुनी, उत्तरा फागुनी, हथिया, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, घनिष्ठा, सतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार कर लेता है, इसलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिन के होती है। ज्योतिष विद्वान की माने तो नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देख करके दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान किया जा सकता है। यही भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है। तो आप सबों का हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।